along with the media convener, Shri Anil Baluni. Sarvpratham, aap sabko Mahavir Jayanti ke भाजपा के हम जैसे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि संजय मयूख जी ने मेरा परिचय मंत्री परिषद की एक मेंबर होने के नाते दिया, किंतु आज इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंच पर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय मीडिया के कन्वीनर श्री अनिल बलूनी जी के साथ उपस्थित हूं। देवी और सज्जनों, साल 2013 में मई के महीने से 26 मई 2014 तक माननीय कपिल सिब्बल जी देश के कानून एवं न्याय मंत्री थे। नवंबर 2013 में पीटीआई के साथ साथ बिजनेस टुडे नामक एक पत्रिका में खबर छपी नवंबर 2013 में पीटीआई जैसे नामचीन एजेंसी एवं उदाहरण के रूप में बिजनेस टुडे नामक एक पत्रिका में सीबीआई के एक केस के संदर्भ में खबर छपी। उस खबर के अनुसार एसबीआई के एक अफसर के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही थी, क्योंकि लोन डिसबर्सल में ब्राइबरी का चार्ज उन पर था। जिस संदिग्ध व्यक्ति का उल्लेख इस न्यूज के संदर्भ में प्रकाशित हुआ वो वर्ल्ड विंडो ग्रुप के चेयरपर्सन पीयूष गोयल थे। साउथ अफ्रीका की एक ऑनलाइन न्यूज साइट ने जिसका नाम है डेली मैवरिक और एक नॉन प्रॉफिट जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म साउथ अफ्रीका में करता है, आमा बुनगाने, इन्होंने एक स्टोरी के संदर्भ में इसी व्यक्ति पीयूष गोयल का उल्लेख किया और अपनी स्टोरी में यह लिखा कि यह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में लिप्त पाया गया है। इस संभावना को व्यक्त करते हुए साउथ अफ्रीका की इस न्यूज साइट ने जब सिब्बल साहब से संपर्क किया तो उनके बीच की कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप डेली मैवरिक के न्यूज साइट पर उपलब्ध है। हिंदुस्तान की एक न्यूज साइट ने 28 मार्च को, जिसका नाम है ऑप इंडिया, इसी संदर्भ में एक और स्टोरी लिखी। कहानी का सार इतना है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई यूपीए की सरकार के दौरान ब्राइबरी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिस व्यक्ति के बारे में साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट मनी लॉन्डरिंग जैसे चार्जेस अपने आर्टिकल्स के माध्यम से मढ़ रहे थे, उसी व्यक्ति से सिब्बल साहब और उनकी धर्मपत्नी ने ग्रैंड कैस्टेलो नाम की एक कंपनी
का मालिकाना हक प्राप्त किया। ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल प्रेषित हुआ है, उस आर्टिकल को कोट करते हुए मैं कहना चाहूंगी, ग्रैंड कैस्टेलो विद नो बिजनेस इन फाइनेंशियल ईयर 2013-14 purchases a piece of land which eventually costs 45.21 crores. Quoting the article again, Op India ki is report mein hai ki ek baar ye land फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में रजिस्टर होती है तो उस लैंड को मार्केट वैल्यू के आधार पर रिवैल्यू किया जाता है। आर्टिकल कोट्स फ्रॉम द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब इस जमीन की कीमत 43.79 से 89 करोड़ हो जाती है। यह आर्टिकल कोट करता है ऑडिटर रिपोर्ट को और कहता है कि ये इवैल्यूएशन कंपनी का ट्रू और फेयर व्यू, and I quote here, the company's auditor also qualified his audit report to this extent, stating that subject to this re-evaluation, the financial statements gave a true and fair view of the state of affairs of the company. Agle financial year 2015-16 mein, इस आर्टिकल के अनुसार कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल देती है। पंद्रह सोलह के फाइनेंशियल ईयर में इस आर्टिकल के आधार पर कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदलती है, स्विचेज इट फ्रॉम मार्केट वैल्यू टू हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एंड द नेक्स्ट ईयर सिबल साहब और उनकी धर्मपत्नी इस कंपनी में मालिकाना हक पाते हैं। नाउ व्हेन यू लुक एट द साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट आर्टिकल, व्हाट इज स्ट्रेंज इज, एंड आई कोट दिस आर्टिकल, द आर्टिकल स्टेट्स that the South African journalist site got in touch with Mr. Sibyl, and I quote, we asked Sibyl to explain his directorship of world's window subsidiary Grand Castello. He says, you don't seem to have your facts right. We provided him with details from corporate records. He stonewalled again, says, I have never been a director of any subsidiary company of any company. We provided proof that the corporate register listed him. He did not respond. प्रश्न आज ये उठता है कि जब साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे थे तो सिबल साहब को क्या दरकार थी उनसे तथ्य छुपाने की। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सिबल साहब का अधिकार है कि वो किसी मनी लॉन्डरर से अथवा जिस पर सीबीआई का केस हो चुका है उससे कुछ भी खरीद सकते हैं। सो व्हाइल पीपल माइट से मिस्टर सिबल हैज द राइट टू बाय अ कंपनी which has a very shadowing existence, while people might say Mr. Sibyl has the right to buy and engage with
a so-called alleged money launderer, the question I'd like to pose is whether this is politically acceptable to Sri Rahul Gandhi. I now leave the questions, floor open for questions. Ji. Iske sandarbh mein koi prashna hai? I'm here in the position of a BJP karyakarta. Any question pertaining to actions to be taken by the government will be spoken on the government platform. I'm distinguishing. Well, the investigation agencies don't take orders from me, hence I will not respond on their behalf. I'm not their spokesperson. मेरा इतना ही कहना है कि उस वक्त वो कानून मंत्री थे. इस व्यक्ति के खिलाफ तब की सरकार का सीबीआई का एक केस चल रहा था. इस व्यक्ति के संदर्भ में साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने और न्यूज़पेपर साइट्स ने खुद कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं. तब भी कपिल सिब्बल जी इनके साथ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों करना चाहते थे, ये प्रश्न का उत्तर बेहतर कपिल जी देंगे. लेकिन उससे बेहतर प्रश्न ये है कि क्या ये राहुल गांधी को मंजूर है, एक्सेप्टेबल है. Well, the World's Window Group chairperson Piyush Goyal was investigated by the CBI when the UPA was in power. Can the UPA and especially the Congress party deny that? Ravinder ji. ये इसका जवाब आपको सीबीआई से और सिबल साहब से मिल सकता है. मैं इतना ही कह रही हूं कि मेरी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन दोनों आर्टिकल्स के आधार पर है. एक एक साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्टिक एजेंसी है और दूसरा हिंदुस्तान की एक न्यूज साइट है जिसका नाम है ऑप इंडिया. और इसमें डिफरेंस मैं बता दूं, ऑप इंडिया का जो आर्टिकल है उसमें मैंने पढ़ा कि उन्हें सिबल साहब से संपर्क किया क्योंकि उनको कोई भी जवाब मिला नहीं सिबल साहब से. किंतु जो अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट साइट है उस पर निश्चित रूप से लिखा है कि सिबल साहब से उनका संपर्क हुआ और जो वार्तालाप हुई वो भी इस आर्टिकल का हिस्सा है. तो क्यों पहले उन्होंने डिनाई किया उस जर्नलिस्ट के साथ ऑन रिकॉर्ड कि मेरा कोई संबंध नहीं है, और क्यों आज संबंध के दस्तावेज हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, उसका जवाब सिबल साहब दे पाएंगे. ये शायद पहली बार हुआ होगा कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की पत्रकारिता पे संदेह कर रहा है. लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिन पत्रकारों ने इस इन्वेस्टिगेशन को किया है उन्होंने एक तरफ कपिल सिब्बल साहब को कोट किया है और दूसरी तरफ ऑडिटर की रिपोर्ट को कोट किया है. तो अगर आप निश्चित रूप से एथिकल जर्नलिज्म में मानते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस पत्रकार तो का समर्थन करेंगे जिसको ऑन रिकॉर्ड सिबल साहब ने मना किया है लेकिन दस्तावेज बाद में अलग पाए गए हैं. जी
मैंने इसीलिए विकास जी कहा कि सिबिल साहब किसी आरोपी के साथ अगर कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं वो उनका अपना निर्णय है, क्या ये राहुल गांधी को एक्सेप्टेबल है, इसका जवाब तो सिर्फ राहुल जी खुद दे सकेंगे कि जिसके ऊपर स्वयं कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने सीबीआई के चलते किसी एसबीआई के अफसर को ब्राइब करने का आरोप पर इन्वेस्टिगेशन किया, जिसके ऊपर साउथ अफ्रीकन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बार बार मनी लॉन्ड्रिंग के तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा है, सिबल साहब को सिर्फ वही व्यक्ति क्यों भाया किसी बिजनेस डील के लिए, ये जवाब तो सिबल साहब ही दे पाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से हाथ मिलाना या फिर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में कोई ब्राइबरी में लिप्त पाया जाए, वो अगर कांग्रेस के साथ किसी ना किसी मंच पर खड़ा रहे अथवा कोई बिजनेस करे, अगर आपको वो नेचुरल प्रोग्रेशन लगता है कांग्रेस पार्टी का, तो मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। I will only say this, that seated with me is not only the media convener, but also a newly elected Rajya Sabha member. This is now in the public fora. As the journalist before you had questioned me, that is it so natural for the Congress leadership today to embrace money launderers? Is it so natural for Congress leadership today to shake hands with those that they had investigated for bribery? If that is the context in which Congress views its partnerships and business relationship, then need I say more? They have upped the ante themselves by accepting that, yes, we don't mind embracing money launderers. Thank you so much, ladies and gentlemen. Maybe you can tweet about this.